देखिए मोस्टली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए आयरन कॉन्डोर्स ही एक ऐसा ट्रेड है जिसमें वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं जहाँ पे उनको रेंज का बेनिफिट भी मिल जाता है और उसके साथ साथ उनको हेजेस भी मिल जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनसर्टेन ऑफ द ब्लैकफोन इवेंट आज भी हम हाँ बात करने जा रहे हैं आयरन कॉन्डोर्स के ऊपर वीकली आयरन कॉन्डोर्स के ऊपर इस एडजस्टमेंट को आप मंथली भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या बाय वीकली भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यूर रिस्क एपेटाइट हाई वेलकम बैक टू ट्रेड रिट माई ने अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर भी ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इन वीडियो को लाइक करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए आज हम स्पेसिफिकली वीकली आरअर के बारे में बात करने वाले हैं सिंपल रूल्स रखे रखेंगे बहुत डिफिकल्ट नहीं रखा है बहुत छोटा वीडियो है समझने के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे

चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने रूल्स के ऊपर हमारे वीकली आयरन कॉरिडोर के क्रिएट एन आयरन कॉरिडोर बाय सेलिंग द कॉल एंड पुट ऑप्शन विथ पॉइंट टू डेल्टा ठीक है हमें क्या करना है हमें एक आयरन कॉरिडोर बनाना है जिसमें हमारी जो सोल्ड स्ट्राइक्स होंगी कॉल और पुट की वो होंगी जिनका डेल्टा होगा पॉइंट का ठीक है हमें वो स्ट्राइक सेल करनी है जिनका डेल्टा है पॉइंट टू का बाय द हेजेस एट हाफ द प्रीमियम ऑफ द सोल्ड स्ट्राइक्स हमारे जो हेजेस होंगे वो होंगे हाफ द प्रीमियम ऑफ द सोल्ड स्ट्राइक्स सपोज मैंने कॉल और पुट सेल किया है 30 रुपीस का मुझे जो भी 0.2 डेल्टा पे स्ट्राइक मैंने सेल करी है उसका प्रीमियम सपोज 30 30 रुपीस है कॉल एंड पुट का तो हेजेस में कौन से लूंगा हेजेस लूंगा हाफ टू प्रीमियम ऑफ द सोल्ड स्ट्राइक्स 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 15 रुपए के हेजेस में बाय करूंगा एज हेजेस फॉर द सेम एक्सपायरी ऑन फ्राइडेज टारगेटिंग द करेंट एक्सपायरी ठीक है करेंट एक्सपायरी का ही हमें सेल करना है करेंट एक्सपायरी का ही हमें बाय करना है तो इससे हमारा आयरन कॉन्डोर रेडी हो जाएगा नो एडजस्टमेंट टिल द पीक से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप आयरन कॉन्डोर बनाते हो तो ये आपका ब्रेक इवेंट है बट ये जो कॉर्नर होते हैं ऑफ द टॉप ग्रीन साइड दैट इज द पीक ऑफ द आयरन कॉन्डोर तो जब भी इस पीक पे मार्केट आएगा तभी हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं वरना नहीं ठीक है इफ मार्केट रीच इज दीक एग्जिट द इंटायर ट्रेड एंड री इनिशिएट द ट्रेड कंसिडरिंग द स्पॉट एज ए टी एम मतलब क्या हुआ कि सपोज मार्केट में कोई मूव आया और मेरे कॉल साइट का जो पीक है वो ब्रीच हो गया तो मैं क्या करने वाला हूं उस समय जो स्पॉट जहां पे होगा उसे कंसीडर करके एटीएम की तरह पॉइंट टू डेल्टा का कॉल ऑन पुट सेल करके अगेन आई विल री इनिशिएट द आयरन कॉन्डोर और एग्जिस्टिंग वाले को मैं एग्जिट कर दूंगा राइट सेट द वीकली टारगेट एंड एस एल एट वन परसेंट ठीक है वीकली टारगेट मेरा कितना होना चाहिए वन परसेंट का एस मेरा कितना होना चाहिए वन परसेंट का जब भी मुझे वन परसेंट प्लस और माइनस अपनी स्क्रीन पे दिखेगा मैं ट्रेड बंद कर दूंगा as simple as that, ठीक है I will show you how to log the profits at the time of simulation. ठीक है मैं चाहता तो रूल्स यहाँ पे दे देता बट कई बार वीडियो पूरा देखा नहीं जाता है इसलिए मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि आपको अपने प्रॉफिट को लॉक कैसे करना है सपोज आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल गया और अब आप हायर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो ठीक है यू आर बेटिंग फॉर द हायर प्रॉफिट बट उस हायर प्रॉफिट को टारगेट करने में आप कहीं कोई बड़े लॉसेस ना कर दो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट में अपने उस ट्रेड से लेके निकलू और अगर मार्केट रिमेन्स इन अ रेंज तो मैं एक बड़ा प्रॉफिट लेके निकल पाऊं वहां से लाइक मोर देन टू परसेंट थ्री परसेंट लाइक दैट राइट ये हम सीखेंगे अपने सिमिलिटी पे. तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा एंड yes, अगर आप वो आयरन सीखना चाहते हो, जो मैं ट्रेड करता हूं अपने अकाउंट में और अपने बैच में जो पढ़ाता हूं, जिसका डिप्लॉयमेंट, दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड यू आर गोइंग टू लव द कंटेंट एंड रिमेंबर वन थिंग इन्वेस्टिंग इन नॉलेज इज ऑलवेज बेटर ट हैं हैं, करके देख लेते हैं ट्रेड हमें इनिशियना है हमें ट्रेड इनिशिएट करना है अराउंड थ्री ओ क्लॉक हम यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड इनिशियट कर रहे हैं ठीक है मैंने क्या कहा पॉइंट टू डेल्टा तक की स्ट्राइक हमें सेल करनी है ठीक है पॉइंट टू डेल्टा तक की स्ट्राइक हमें सेल करनी है और उससे आधे प्रीमियम थर्टी फोर डिवाइडेड बाय टू सेवेंटीन तो सेवनटीन के आसपास की स्ट्राइक उससे कम की स्ट्राइक हम बाय करेंगे यहां पे है फोर्टी एट डिवाइडेड बाय टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के आसपास का जो हमें स्ट्राइक मिलेगा वो हम बाय करेंगे ठीक है हमारा आयरन कॉन्डोर रेडी हो गया डोंट गो विद द अनइवननेस आप चाहो तो अपने ट्रेड को इवन कर सकते हो बाय मूविंग योर हेजेस इनसाइड और आउटसाइड चलते हैं दो घंटे के साथ आगे क्योंकि ये पोजिशनल सेटअप है देखो यहां पे क्या हो रहा है रेंज ऑलमोस्ट आपके ब्रेक इवन के पास आ चुका है ठीक है तो थोड़ा और आगे चलते हैं अब ऐसे में आपको ये तो नहीं पता है कि मार्केट में कल गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है और हार्डली 10-15 पॉइंट का यहां पे डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे हम अपने पूरे ट्रेड को एग्जिट करेंगे और ए को स्पॉट समझ के हम पॉइंट टू डेल्टा से कम की ही स्ट्राइक्स रखेगा तो ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा पॉइंट टू डेल्टा से ज्यादा मत लीजिएगा ठीक है आपने ट्रेड को फिर से रीनिशिएट करेंगे 26 तो 13 हमने बाय कर लिया यहां पे 22 है तो 11 से कम का हमने यहां पे बाई कर लिया ट्रेड को आगे चलाते हैं ठीक है हमें अपना वन परसेंट का प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे बट इस तरह से आयरन कॉन्डोर कभी भी हमको चैन की नींद सोने नहीं देंगे सो फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार आप ये आयरन कॉन्डोर का कोर्स जरूर देखिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इसका डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूशन और एडजस्टमेंट टोटली अलग है एंड दिस एडजस्टमेंट अभी तक आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखा होगा यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है लॉस एलिमिनेशन पे इनफैक्ट जब कभी

ट्रेडिंग सेटअप भी है जो आपको ब्लैक क्या ऑप्शन क्या, क्या, है दो से पांच परसेंट छह परसेंट आपके टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते होलिंग यू ऑन एवरी ट्रेड एंट्री राइट ठीक है टोटल छह स्ट्राटेजी यहाँ पे अभी है अब इसके बाद आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे कैलेंडर्स भी मिल जाएंगे और कैलेंडर

अपने प्रॉफिट्स लॉक करने का या मार्केट फिर से हमसे एडजस्टमेंट्स करवाता है तो हमने 0.2 डेल्टा के आसपास के स्ट्रैंगल सेल कर दिया अब 36 का आधा होता है 13 तो 13 के आसपास का हमने प्रीमियम यहाँ पे बाय कर लिया सेम हमने यहाँ पे बाय कर लिया ठीक है चलते हैं दो घंटे के साथ आगे ठीक है आपको यहां पे थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगा है अब आप क्या कर सकते हो या तो आप ऐसे ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो वन परसेंट आपको मिल गया आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो या आप क्या कर सकते हो आप ए का स्ट्राडल बाय करो ठीक है और उसके एडजेसेंट के हेजेस बाय करो और अपने एग्जिस्टिंग आयरन कॉरिडोर को वहां पे एग्जिट कर दो ठीक है इससे क्या होगा आप मिनिमम वन परसेंट तो लेके जाने वाले हो बट अगर मार्केट यहां सेंटर में क्लोज हो गया अगर मार्केट यहां सेंटर में क्लोज हो गया देन यू माइट अर्न मोर देन फाइव परसेंट ऑल्सो ठीक है अगर हम आगे चलते हैं ठीक है और देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ अराउंड फोर परसेंट राइट अराउंड फोर परसेंट तो आयरन कॉन्डोर कैरी करने में इनिशियली तो मुझे लॉस है बट एक बार जहां पे मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल गया मैं अपने ट्रेड में वो प्रॉफिट लॉक कर सकता हूं एंड आई कैन बेट फॉर हायर रिटर्न इससे मेरा रिस्क भी एलिमिनेट हो चुका है और जब भी मार्केट कहीं सेंटर में बंद होगा तो वहां पर मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा सोचो यू आर गेटिंग फोर एक्सपायरीज इन अ मंथ ठीक है और आपके पास 12 महीने हैं तो मोटा मोटा आपने 50 आयरन कॉन्डोर्स को ट्रेड किया और ऑन एन एवरेज 10 आयरन कॉन्डोर में आपको 1% परसेंट बना और ऐसे पांच आयरन कॉन्डोर्स में आपको 5% परसेंट या 4% परसेंट भी मिल गया ना मैं टोटल फिफ्टी आयरन कॉन्डोर्स की बात कर रहा हूँ बाकी आप थर्टी में लॉसेज रख लो थर्टी थर्टी फाइव में वन परसेंट के लेकिन यहाँ पे अगर आपको बन गया ना वो पांच परसेंट तो आप अपने रिटर्न को खुद कैलकुलेट कर सकते हो राइट right? तो इट इज ऑलवेज अबाउट विनिंग द प्रोबेबिलिटीज एंड ऑलवेज रिमेंबर की इस तरह के आयरन कॉन्डोर्स में आप प्रॉफिट तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब मार्केट एक रेंज में रहे राइट right? मार्केट अगर अपनी रेंज तोड़ती है तो आपको बहुत पेन होने वाला है इसीलिए मैं जब ट्रेड करता हूं मैं इस तरह का आयरन कॉन्डोर कभी ट्रेड नहीं करता मैं थोड़ा सा उसमें वेगा का टच लगा देता हूं ताकि मेरे आयरन कॉन्डोज में मुझे कभी भी इंपल्सिव मूव में कभी बड़े लॉसेस ना दिखें और मैं चैन की नींद रात में सो सकूं वो सारी चीजें इन मार्केट्स में ट्रेड करके ही एक्सपीरियंस लेके ही मैंने सीखा है जो मैं अपने ट्रेड्स में इम्प्लीमेंट करता हूँ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए क्योंकि आपके लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है बट मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है आपके लिए इस तरह के लर्निंग वीडियो लाते रहने का आयरन गॉन्डाउट हमेशा एक नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए ही बनाई गई है अगर यहाँ पे डायरेक्शनल इंटरफेरेंस होता है या वोलेटिलिटी बहुत बढ़ती है ये आपको पेन दे सकते हैं तो पोजिशन साइजिंग अपने कैपिटल के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव करिएगा मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए वीडियो के साथ टिल कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग